नमस्कार, दिस इज डॉक्टर राहुल मनचंदा एंड वी आर बैक विद अनदर वीडियो अबाउट अनदर टॉपिक टुडे अगेन। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रेगनेंसी एंड ऑफ कोर्स इंटरकोर्स या संबंध जो हम रखते हैं हस्बैंड वाइफ के साथ या पार्टनर्स के साथ, कि रखना चाहिए हमें, नहीं रखना चाहिए प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत तंग करने वाला सवाल है उन लोगों के लिए जो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, क्योंकि यूजुअली हमारे मन में ये होता है कि अगर प्रेगनेंसी है तो हमें इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए या संबंध नहीं रखना चाहिए मेल फीमेल पार्टनर को। अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। दिस इज़ नॉट अ डिजीज़ और एक आदमी से दूसरे आदमी तक नहीं लग सकती है। ये कोई ट्रांसमिसिबल डिजीज़ नहीं होती है। तो प्रेगनेंसी में सबसे पहले, अगर आपको प्रेग्नेंट हैं आप, तो आप अपने डॉक्टर से दिखवाइए कि वो प्रेगनेंसी ठीक है या नहीं है। और ज़्यादातर हम लोग जो कहते हैं इंटरकोर्स अगर करना हो या संबंध रखना हो, फिज़िकल रिलेशंस रखने हो पार्टनर के साथ प्रेगनेंसी में, तो मोर प्रेफरेबल है कि फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप फर्स्ट 3 मंथ्स में नहीं रख सकते। हाँ, ज़रूर उन लोगों के लिए जिनकी फ़र्स्ट 3 मंथ्स में अबॉर्शंस की हिस्ट्री है, जो डायग्नोज नहीं होते हैं किस कॉज के वजह से है, उनको कोई प्रॉब्लम हो चुकी है या उनको प्रॉब्लम हो रही है कि ब्लीडिंग है, इन्फेक्शन है या कोई और प्रॉब्लम है, तो ज़रूर उस समय में इंटरकोर्स या संबंध नहीं रखना चाहिए। मगर सेफर टाइम इज़ आफ्टर द फर्स्ट 3 मंथ्स एंड यू कैन डेफिनेटली हैव इंटरकोर्स इफ़ देर आर नो स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशन या कोई उस पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपको इससे रोकते हैं डॉक्टर आपको। ज़रूर अपने डॉक्टर से आप सलाह करें, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि ये क्या बिंदु हैं या रेड फ्लैग्स हैं जिसके वजह से आपको संबंध नहीं रखना चाहिए प्रेगनेंसी में, और फिर आप उसका ज़रूर उसको फॉलो करें। तो प्रेगनेंसी डेफिनेटली वी कैन हैव इंटरकोर्स, इट इज़ नॉट अ डिजीज़, बट प्रेफरेबल आफ्टर द फर्स्ट 3 मंथ्स, पहले 3 महीने के बाद तभी, अनलेस कोई और कॉन्ट्राइंडिकेशन जैसे ऑयलदान नीचे हो या कोई और इन्फेक्शन हो या ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही हो लेडी को या लेडी को पेन हो रहा हो, तो ज़रूर उस दौरान नहीं करना चाहिए। और दोनों की ऑफ कोर्स हस्बैंड वाइफ की राय से ही होना चाहिए। तो प्लीज़ इन टिप्स को, आपको अगर फ़ायदा हो सुन के या अगर आपको इस वीडियो को देख के लगता है कि आपके कोई ऐसे दोस्त या कॉलीग हैं जिनको ये फ़ायदा लगेगा इससे, तो ज़रूर उनसे शेयर कीजिए कुछ टिप्स जो हम बताते हैं आपके लिए। अगर कोई कमेंट है जो आप लिखना चाहते हैं, जो सवाल हो जो आप पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर नीचे लिखिए, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब दें यहीं पे या अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।